हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। व्रेथ ऑफ मैन ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और इसका रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रोहित ने कहा था, तो यार थैंक यू सो मच, मैं वक्त निकाल के ये मूवी देख लिया। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 57 मिनट की है और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊँ, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को एंजॉय करो। खैर आप बात करें इस मूवी की प्लॉट की, जो कि स्टार्ट होता है एक रॉबरी से, यानी कि फोर्टिको ये एक कंपनी जो कि हर हफ्ते मिलियन डॉलर्स का कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है अपनी कैश ट्रक में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब उस कैश ट्रक को कुछ रॉबर्स लोग लूटने आ जाते हैं, और वो लोग सिर्फ वो लूट कर नहीं जाते, वो लोग उस कैश ट्रक के ड्राइवर को भी उड़ा देते हैं और साथ साथ उसके साथ एक को वर्कर था उसी कंपनी का, उसको भी मार देते हैं। लेकिन अब उसके बाद कैसे एंट्री होती है एच यानी कि जेसन स्टेटम के कैरेक्टर की, और फिर क्या कुछ बवाल होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं इस मूवी के लिए इतना ही कहूँगा कि एक ऐसी एंटरटेनिंग मूवी जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखेगी। हालांकि इस मूवी की कहानी और इस मूवी में जो ट्विस्ट बताया उसमें नयापन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस मूवी को एग्जीक्यूट किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और जेसन स्टेटम अगर किसी मूवी में हो और वो मूवी इंटरेस्टिंग ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और जेसन स्टेटम के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो एक ऐसा बंदा है जो एक ही तरह का रोल अगर वो 50 मूवी में भी कर लेना, फिर भी एज एन ऑडियंस हम इंजॉय करते हैं। पता नहीं क्यों यार, उस बंदे को देखकर ही मूवी अपने आप ऑटोमेटिक आपको पसंद आने लगती है। और ये मूवी में भी यही चीज़ होती है, यानी कि इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी बस आपको वो एक ही कैरेक्टर एच ही नज़र आता है इस पूरी मूवी में। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया, और जितने भी एक्शन सीन्स है उसको बहुत ही अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया। हालांकि यहाँ पर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जितने भी बुलेट फायरिंग के सीन है वो बहुत ही लाजवाब है। और जेसन ने जिस तरीके से लोगों को मारा, खाट 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 खाट, एक ही एक्सप्रेशन भाई बिल्कुल भी हंसता नहीं है, लेकिन जब वो मारता है ना सीधा भेजा फूम, और वो सीन्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे इस पूरी मूवी में। BGM आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो इमोशनल BGM हो, चाहे वो सस्पेंस BGM हो, चाहे वो एक्शन के टाइम बजने वाला BGM हो, हर BGM आपका दिमाग हिला डालेगा। और वो जितने भी बुलेट फायरिंग सीन है वो तो आपके कान के पर्दे फाड़ डालेंगे, गारंटीड है मेरी। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और जेसन की बात करो तो भाई वो इसी तरह के रोल्स के लिए बना है और उसने इस मूवी में बहुत ही फाड़ू काम किया। और मूवी आउटस्टैंडिंग नहीं है, ना ही कोई मास्टरपीस है, लेकिन आप ये मूवी एंजॉय करोगे। और मूवीज़ का यही तो मकसद होता है, ऑडियंस एंटरटेन होना चाहिए, ऑडियंस पूरी मूवी के दौरान सीट पर बैठे रहना चाहिए, और यही सारी चीज़ इस मूवी के साथ होती है। नेगेटिविटी की बात करो तो इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लगी। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यस, ये मूवी सिर्फ एडल्ट्स के लिए बनाई गई, हालांकि इसमें कुछ भी एडल्ट यानी गंदे सीन नहीं है, लेकिन जितने भी वॉयलेंस के सीन्स है, वो जो भेजे उड़ाने वाले सीन है, वो थोड़ा आप लोग ध्यान दे देना। बाकी आपको देखना तो आप लोग ये देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल मूवी। ये मूवी हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन ये आपको इंग्लिश में अच्छे प्रिंट में देखने को मिलेगी, मूवीज़ फ्लिक्स में या तो फिर कैश मूवी HD पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।